हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज आपके लिए सरप्राइज है ये कि जो भी बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है क्लास 10 का हो चुका है, उसका हम लोग पेपर का फटाफट से ऑब्जेक्टिव चेक करने वाले हैं कि किसका कितना सही हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग सेट आई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मिला लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम एक वन बाय वन डिस्कस कर देंगे, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। बस आंसर करने वाले हैं, हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, बट सिर्फ यहाँ पे आंसर सब चेक करेंगे। तो आप लोग फटाफट से मिला लेंगे, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 जो होगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो घातांक है मतलब यहाँ पे 64 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 जो है 6 बार आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 6 है, ठीक है ना। अगला है महत्तम समापवर्तक यानी PQ इनटू लघुत्तम समापवर्तक यानी SCF इनटू LCM जो है दो नंबर का क्या होता है, आप लोग जानते हैं P इनटू Q के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन ठीक है इसका। आगे बढ़े, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, तो घात जो होता है डिग्री जो होता है उसका पूर्ण संख्या, यानी 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ax² + bx + c का आलेख होता है, तो याद रखिएगा कि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है परवलय यानी कि पाराबोला होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पाराबोला होता है, ठीक। अगला है 0, 1, 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो 2, 8 वाला जो बहुपद है इस मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अनगिनत यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस है ये जो है आपका 0, 1, 2, 8 वाले बहुपद की संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत। यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, बस आपको आंसर बताने वाले हैं, डिस्कशन होते रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ, वही कर लिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो, तो द्विघात बहुपद का शून्यक एक ठो अल्फा एक ठो बीटा है, तो आपको बोला है द्विघात बहुपद कौन होगा, तो फटाफट से आप निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, यानी सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है ना। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, y² + 16y + 55 के शून्यक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दोनों शून्यक आपका आएगा, दोनों ऋणात्मक यानी दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी नंबर यानी -2। व्युत्क्रम मतलब वही होता है अल्फा बराबर 1/बीटा, दिमाग में याद रखें। तो आंसर बस अभी देखें ना कितना होगा, -2 होगा। मिला लेंगे किनका किनका कितना सही हो रहा है, ठीक ना। हम लोग सेट आई कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 5x - 12 में P1 यानी PX दिया हुआ है, P1 निकालिए, तो 1 बैठाइएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना, यानी कि -6, ठीक। युग्म समीकरण जो है आपका 2x + 4y = 3, 12y + 6x = 6 है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखेगा कोई हल नहीं, यानी कंडीशन आ जाता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। यहाँ थोड़ा फोकस करेंगे, x इधर कर दिया, इसी वजह से हो सकता है किसी किसी का गलती, ठीक ना। तो 10 हो गया। आगे बढ़े 11 नंबर की तरफ, देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य माध्यिका बहुलक होता है, मानक विचलन नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पूछ रहा है इतना इतना में बहुलक है, तो बहुलक मतलब जो अधिकतम बार रिपीट हो, तो इसमें 15 जो है 3 बार आया है, इसलिए इसका आंसर 15 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रथम पांच संख्या का माध्य निकालेंगे, तो 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कीजिए, जोड़िए 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 15 / 5 यानी 3 आंसर। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगला कि प्रेक्षण इतना का माध्य, तो क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में से जाएंगे, तो आपका आंसर 12 आएगा, चेक कर लीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन 15, माध्य का 3 गुना तथा माध्य का 2 गुना का अंतर जो है बहुलक कहलाता है, ये भी याद रखिएगा, डिस्कस किए थे हम लोग क्लासरूम में, ठीक ना। ए भुजा वाली संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको याद होगा, √3/4 × भुजा² यही है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या कंडीशन आएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको तो ऑप्शन सी निकलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। लिखा हुआ है किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो विकर्ण होगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला जानते ही हैं, √3 × a, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन सबको याद होगा 1/3 π/r², बस फॉर्मूला सभी तो पूछा है, इतना ईजी क्वेश्चन और कितना ईजी आएगा।
देखिए दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात यानी ए वन बाय ए टू आपको दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात बस रूट चलाइए तो 4:2 और 5 यानी 2:5 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन नंबर 21, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी कि अनुपात ए एन दिया हुआ है इतना तो सार्वान्तर, तो आप क्या करेंगे ए वन ए टू निकालेंगे सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यानी -2 आंसर आएगा। ठीक, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 0 है याद रखिएगा इसका 22वां पद 0 होगा। ठीक है ना, डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बोर्ड पे। ठीक ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 AB बराबर 22 मतलब 12 है, बीसी बराबर 5 है तो AC 13 है, साइन सी क्या होगा तो याद रखिएगा साइन सी का वैल्यू आएगा 12/13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉस पी बराबर मतलब कॉस थीटा बराबर पी है तो टेन थीटा क्या होगा, तो सॉल्व करने पे आएगा ऑप्शन नंबर ए √1 - p²/p। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में कि 1/sin θ किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा कोजेक थीटा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी है सही। अगला सेक थीटा इंटू कोजेक थीटा, याद रखिए सेक बी इंटू कोजेक बी प्रोडक्ट 1 होता है, बहुत बार डिस्कस किए हैं हम लोग। ठीक ना, कॉट थीटा बराबर 1/3 तो सेक थीटा क्या होगा, सॉल्व करेंगे 2 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर ए बराबर 45 डिग्री तो कितना होगा, तो 45 डिग्री बैठाएंगे तो 1/√2 सॉल्व करेंगे तो √2 आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए √2 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin α/2 तो 2 काट देंगे तो sin α बराबर कितना हो जाएगा 1, तो कितना डिग्री पे 1 आता है, तो sin आप लोग जानते हैं 90 डिग्री 1 होता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब देखिए सर प्रोडक्ट हमेशा किए थे 1 आंसर डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हटाइए सर, क्या डिस्कस करना है। 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया था तो अब याद रखेंगे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 12 आंसर, थोड़ा सा क्रिटिकल था, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। ठीक ना, 12 ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पी आर का स्क्वायर बराबर है PQ² + QR² तो कोण क्यों क्या होगा 90 डिग्री, सब क्लासरूम में डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चन तो हम लोग जितना आया हुआ है। ठीक ना, 33 नंबर पूछा है PQR में S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर PQR, यदि PS इतना है SQ वगैरह वगैरह इतना है तो X का मान पूछा है, अभी के लिए याद रखिए आपका आंसर होगा 4 33 का। चलते हैं 34 में। ठीक है ना, तो त्रिभुज ABC में DE इतना इतना पे इस प्रकार है तो ऑप्शन क्या AE का मान मांगा है, तो AE का मान जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो देखिए जब वो करिएगा ना जब कुछ इस तरह से ABC में तो ये ABC उसके बाद DE, तो जब सॉल्व करेंगे इसको मानेंगे तो आपका वैल्यू सॉल्व करके 8 आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है उसका, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसका आंसर होगा 12, इस पर होल डिस्कशन होगा बाद में। तो 35 का सी नंबर, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो 36 का बी यानी 2। 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मांग रहा है APB तो APB का मान होगा 50 डिग्री यानी एंगल APB, ये जो एंगल मांग रहा है इसका मान निकालेंगे तो 50 डिग्री आंसर आएगा। ठीक, देखिए पूरा तो दिया 130 90 360 डिग्री होता है, कर लेंगे हो जाएगा। ठीक ना, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको कोण OPQ का मान, तो सॉल्व वॉल्व करेंगे तो आएगा 25 आंसर आपका यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ, पूछ रहा है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, दी गई आकृति बिंदु ओ वृत्त पर केंद्र है तथा इतना इतना है, तो ओ ए बी का मान 70 डिग्री होगा, इसको मिला लेंगे फटाफट से। ठीक ना, ठीक है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, तो 41 में पूछा है वाई एक्स पर सभी बिंदु का भुज, तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0y, तो भुज का वैल्यू क्या होगा 0, इसको भुज बोलते हैं इसको कोटि, तो 0 आंसर। 42 नंबर का सार्वान्तर बोला है तो a2 - a1 यानी कि 1/8 आंसर होगा। ठीक है आगे चलिए 43 नंबर की तरफ, तो समांतर श्रेणी का आपको सामान्य पद यानी an दिया हुआ है तो प्रथम पद सॉल्व करेंगे -2 आएगा यानी ऑप्शन नंबर डी 43 नंबर का। ठीक है, 44 नंबर मध्य बिंदु का निर्देशांक मांगा है, सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी -6, -4 आएगा। ठीक है आगे चलते हैं, इतना इतना का केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक का फॉर्मूला वही होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, क्लासरूम का डिस्कशन है, सिंपल था। तो 45 का डी नंबर, 46 इतना इतना संरेख है, तो जब संरेख करेंगे तो के बराबर सॉल्व करने पर आपका 0 आंसर आता है इसका यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 46 का संरेख वाला कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन है 47 में कि
त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है तीनों तो शीर्ष, तो परिमाप क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, जब आप परिमाप निकालेंगे तो आंसर आएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है ना, बिंदु पी क्यू आर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालने बोले हैं, तो क्षेत्रफल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 8 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, फटाफट से। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक ना, और क्या 50 में पी क्यू आर इतना इतना है तो कोण पी का मान, मतलब कोण क्यू इतना है तो कोण पी कितना होगा, तो 100 डिग्री होगा, याद रखिएगा 50 का डी नंबर। के किस मान के लिए संपाती रेखाएं को प्रदर्शित, तो सॉल्व करेगा संपाती रेखा के लिए आपका के का मान आएगा 6। फिर अगला क्वेश्चन है 52 में a1 बटा a2 बराबर इतना b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 इतना इतना का हल होगा, तो ये जानते हैं किसका सॉल्यूशन है, अनगिनत का ही तो कंडीशन है ना, कितना बार तो पढ़े हैं हम लोग, किसका सॉल्यूशन है, अनगिनत का, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ रवाना होते हुए, ठीक ना, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे, द्विघात समीकरण सॉरी है, कौन है तो ये वाला है, याद रखिएगा, ठीक ना, कौन नहीं है, जस्ट नीचे है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, यानी 54 का डी नंबर। देखिए आगे इसका वीडियो लाएंगे हम पूरा सॉल्यूशन के साथ, टेंशन मत लीजिए, अभी बस डिस्कस कर रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। देखिए 55 का है, द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल समान हो तो पी का मान होगा, सॉल्व करेंगे पी का मान 0.8 होगा, बहुत सब लगता है कि ये लगा के आए होंगे आज, हमको लग ही रहा है, लेकिन आंसर इसका सी नंबर होगा, ठीक ना। 56 नंबर का आंसर है, यदि समीकरण इतना इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं का कंडीशन होता है डी लेस देन 0, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका, ठीक है। 57 देखा जाए क्या बोल रहा है 57 में, कि अल्फा बीटा इतना इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट थ्री का मान, तो सॉल्व करेंगे तो 2√3 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 57 का सी। समांतर श्रेणी का 14वां पद निकालने बोला है, सॉल्व करिएगा 55 आंसर आएगा, ठीक है ना, यानी आप 58 का बी, हम लोग सेट आई डिस्कस कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। 59 में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो बिल्कुल ठीक है। 60 नंबर की तरफ चलते हैं फटाफट से, एनवा पद निकालने बोला है, सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर बी सही आएगा आपका, 21 - 5n, ठीक है ना, 60 का बी नंबर, ठीक है, 21 - 5n, ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका वृत्त का व्यास, याद रखिएगा 4 इकाई आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 61 का डी। अब सिमिलरली 62 में आते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36 π cm³। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, इस बार मत पूछिए, एकदम इतना आसान नहीं हो सकता है। और यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो उसका क्षेत्रफल, सॉल्व करेंगे 25 π cm² आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, l² + b² + h² करके सॉल्व करेंगे, 5√5 आंसर आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 65 में क्या है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉल्व करिएगा आएगा 176/7 cm², यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, मिला लेंगे सब। 66 में चलते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बोल बोल के थक गए हैं, प्रायिकता का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये 3/2 भाग लगाइए, 1 से ज्यादा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। प्रायिकता का न्यूनतम मान बताए थे, न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 अधिकतम मान 1 होता है, बोल बोल के थक चुके हैं सब क्लासरूम में, ठीक ना। 67 68, टेंशन मत लीजिएगा, कोई कमेंट मत करिएगा, थकेगा है पढ़ाई तो रहना। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या, तो हम ये भी डिस्कस कराए थे उस दिन, सम संख्या आने का प्रायिकता 1/2, विषम का भी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 68 का। 69, एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने क्या होगा, तो 1 से माइनस कर दीजिए, 1 - 0.7 आंसर करेगा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर सी 3/10 दिया है, कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चा। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह, काले रंग का बादशाह होता है 2 यानी 2/52 यानी कि 1/26 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा। चलते हैं 71 की तरफ, तो 71 नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी कि 1 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 72 को तो 0 आएगा, सॉल्व करिएगा तो साइन 0 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। किस में है देखिए, तो ये सब भी क्वेश्चन रिपीट है ना, प्रथम पाद में प्लस प्लस है, सबको पता है प्रथम में होगा, और इसे कितना आसान पूछेगा बच्चा, बिहार बोर्ड वालों ने सबको ऑफर दे दिया है, 10 * 45 = 10 √3 यानी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक x0 और क्या, एक छड़ की लंबाई और का अनुपात और छाया का अनुपात 1/√3 है, तो
तो 1/√3 कितना डिग्री पे आता है बच्चा, 10/30 पे ही तो आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 77 नंबर, मूल बिंदु से दूरी, तो √x² + y², तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 77 का ए। 78 का बीच की दूरी, सॉल्व करिएगा आपका आएगा फटाफट से 5 आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। y = 4, 79 क्वेश्चन बोला है, y = 4 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो y = 4 जो है आपका 2.4 से, यहाँ देखिए y का वैल्यू 4 है ना, तो ये 2.4 से, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएंगे हम लोग जब डीप बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 79 का बी नंबर 2.4 आंसर, ठीक है, सब मिला लीजिएगा हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0 होता है, कोई सिद्धत वाली बात नहीं है। कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से ही तो स्टार्ट होता है, क्या होगा, 1 क्लास का स्टूडेंट को भी याद होगा सब, ठीक है ना। कौन परिमेय संख्या, पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, तो 25 से 5 बार, यानी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए 82 का ए नंबर बच्चा। कौन सी अपरिमेय संख्या, तो जो बाहर नहीं निकले, देखिए 9 * 3 = 27 हो जाएगा, यानी 1/√3 अपरिमेय हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसम, तो दो अभाज्य संख्या का मौसम 2 और 3 ले लीजिए, ऐसे निकालेगा वही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 84 का। 0.13 तो याद है रखेंगे, 2 * 9 आएगा, यानी 13/99, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर, बस और 14 क्वेश्चन रह गए, ठीक ना। 18 और 72 का मौसम, यानी कॉमन फैक्टर 18 18 का 72, यानी ऑप्शन नंबर ए 18 आंसर होगा। √12 का परिमेयकारी गुणांक, तो इसका आंसर होगा √3, कैसे होगा देख लीजिए थोड़ा सा, 12 को कर सकते हैं ना, 2 * 4 = 12, तो ये पेयर बाहर, यानी 2√3, तो किसके वजह से परिमेयकरण होगा, √3 के वजह से, इसलिए √3 होगा इसका आंसर। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2p, अगर सॉरी सम पूर्णांक का होता है 2p, और विषम बोलता था 2p + 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक जो होता है 2p के रूप में होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए 88 का। 89 नंबर, किसका दशमलव प्रसार 7, बोल के कितना बोलेंगे, 2 और 5 हो तो 7, 2 और 5 हो तो 7, उसी दिन डिस्कस किए थे, तो ये 80 है, तो 16 × 5 = 80, आपका 2 आएगा और 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है 89 का। दशमलव प्रसार अशांत, तो देखिए ना नीचे क्या है, 121 है, 11 11 है, तो अशांत 90 का सी नंबर, ठीक है। 10 क्वेश्चन लेफ्ट है बच्चा, देखिए यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण, तो पूरक कोण मतलब क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई मिलकर बन जाएगा 90। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक दूसरे से अपोजिट मिलेगा, यानी सेक थीटा बराबर कोजेक थीटा होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना, 91 का बी सही है। देखिए कॉस दोनों सेम नहीं होगा, एक ही तो अल्टरनेट है यहाँ पे, यही होगा बी नंबर। sin² 75 sin² 15 सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 आंसर आएगा। 1 + tan² θ किसके बराबर होता है, sec² θ के बराबर, जो काफ़ी आसान पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला है 94 में, 2 times sin² α + cos² α, तो ये दोनों मिलकर 1 बनेगा, तो 2 * 1 = 2 आंसर, यानी 94 का 2। 5 cosec² θ - 5 cot² θ क्या होगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो cosec² cot² 1 होता है, 5 * 1, तो 5 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 3 α/180, तो अल्फा लगा आ जाएगा कितना, 60, काट कूट करिएगा तो cos 60 कितना, 1/2 के बराबर, यानी कि 96 का सी नंबर। 97, तो सॉल्व करिएगा तो b/a आएगा, सॉल्यूशन देंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, यानी 97 का बी। 98 का 1/√3 किसका मान होता है, तो 10/30, इस पर रिपीट होते रहता है क्वेश्चन क्या। 99 नंबर, ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त दिया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्यूशन मिलेगा इसका, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जिसका आंसर है 1, तो ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का, चेक कर लीजिएगा 100 out of 100 किसका आया, या फिर किसका कितना आया कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना, किसका कितना आया, 50 out of 50 सॉल्व किए या नहीं किए, 100 तो टोटल है ना, 100 में 50 out of 50 किसका किसका आया, या फिर बताइए कमेंट में जाकर के किसका कितना आया, ठीक है ना। तो ये आपका वीडियो एंड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं, तो अच्छे से मिला लीजिएगा। ये सेट हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो सेट आई था, तो सब सेट में क्या होता है, अलग अलग होता है, मान लीजिए ABC नंबर से अलग होगा, क्वेश्चन वही होगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम आराम से चेक कर लेंगे पेपर में, कोई भी सेट हो ABCD कुछ भी आएगा, तो वो क्या होता है ना, मतलब क्वेश्चन वही रहता है, बस नंबर अलग होता है। मान लीजिए क्वेश्चन इसमें 10 नंबर में है, तो उसमें 13 में होगा, या उसमें 27 में होगा, कुछ ऐसा हो सकता है, बट क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग सेट आई, और आपका ये जो था प्रथम सेट था, मतलब क्या पहला ही सेट था ना, हाँ देख लेना बराबर से, क्या था ये आपका, हाँ
पहला 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 ही तो था, ठीक है ना, फर्स्ट फर्स्ट सिटिंग वाला हो गया था, फर्स्ट सिटिंग था ये, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह से जुड़े रहे अंसारी मैथ के साथ। सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी रेडी है, फटाफट से कमेंट करके बताइए किसका कितना आया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।